हम इमिग्रेशन अनुमतियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन करते हैं। यदि आप अपने परमिट का नवीनीकरण कर रहे हैं, तो आपको पंजीकरण कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप न्याय विभाग की वेबसाइट पर अपनी अनुमति का नवीनीकरण कर सकते हैं। वेबसाइट के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए आपको लॉगिन विवरण बनाना होगा। कृपया इस वेबसाइट के पते पर जाएं। कुछ परमिटों को नवीनीकृत करने के लिए 300 यूरो का खर्चा आता है, जबकि अन्य के लिए शुल्क भी आवश्यकता नहीं होती है। आप www.irishimmigration.ie पर पता लगा सकते हैं कि आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा या नहीं। यदि आपको शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है, तो आप अपने आवेदन के दौरान एक वैध क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप आवेदन करने के समय उस चरण को छोड़ सकते हैं। आप अपने परमिट का नवीनीकरण केवल तभी कर सकते हैं जब आपके वर्तमान आयरिश निवास परमिट कार्ड में 30 दिन या उससे कम शेष है। यदि आप और परिवार की किसी सदस्य दोनों को अपने परमिट को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है, तो आपको अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे। कृपया यह भी ध्यान दें कि आवेदन करने के लिए आपका आयरलैंड में होना आवश्यक है। कृपया याद रखें कि राज्य में रहने के लिए आपकी अनुमति वैध और अद्यतित है। यह सुनिश्चित करने के लिए आपको कानूनी रूप से आवश्यक है, अन्यथा आप एक अपराध करेंगे। अपने परमिट को नवीनीकृत करने के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, यह देखने के लिए कृपया www.irishimmigration.ie देखें। साथ ही आपको दस्तावेजों की एक डिजिटल कॉपी तैयार रखनी होगी। यह दस्तावेज का स्कैन या फोटोग्राफ हो सकता है, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारी को इसे स्पष्ट रूप में पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। यदि आपको कोई शुल्क देना है, तो कृपया अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विवरण तैयार रखें। एक बार फिर आपको अपना आवेदन करने के लिए inisonline.jahs.ie/user/register पर ऑनलाइन एक खाता बनाना होगा। यदि आपके पास पहले से ही एक खाता है, तो आप पहले उपयोग किया गया विवरण का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। inisonline.jahs.ie पर अपने खाते में लॉगिन करें और पंजीकरण नवीकरण फॉर्म का पता लगाएं। कृपया अपना आवेदन शुरू करें और पूछे जाने पर अपने दस्तावेज अपलोड करें। फिर आपको अपना आवेदन जमा करने से पहले शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि यह हम आप पर लागू होते हैं। हम आपको आवेदन संख्या और भुगतान रसीद ईमेल करेंगे। यह ईमेल अपने स्पैम या जंक फोल्डर में भी हो सकता है। यदि आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता है, तो इन विवरणों को रखना चाहिए। यदि आपका आवेदन सफल होता है, तो हम आपको ईमेल करेंगे। ईमेल आने के 10 से 15 कार्य दिवसों के भीतर आपको डाक द्वारा एक नया आयरिश निवास परमिट कार्ड भेजेंगे। यदि हमें अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो हम आपको ईमेल द्वारा सूचित करेंगे। यदि आपका आवेदन असफल होता है, तो हम आपको यह बताने के लिए ईमेल करेंगे और आपके द्वारा भुगतान किया गया धन वापस कर देंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है, तो आप immigrationsupport@justice.ie से संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी जरूरत की सभी जानकारी इस वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। www.irishimmigration.ie।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कृपया हमारे इमिग्रेशन नियमों और वाक्यांशों की वीडियो गाइड देखें। कृपया हिंदी बोलने वाले सभी लोगों के साथ साझा करें।